क्या गंगाधर को शक्तिमान कह देना कोई गलत बात है? क्या इस देश में किसी को उसके असली नाम से बुलाना अपराध है? नहीं है ना? तो फिर अर्णब ने क्या गलत बोल दिया? नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। आज द चौपाल पे हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि अर्णब ने क्या गलत बोल दिया। अर्णब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक भारत चैनल के एडिटर इन चीफ हैं और जाने माने जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, उनकी एक लंबी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने अपने चैनल पर एक लाइव डिबेट शो में ये बोल दिया, सोनिया गांधी, जिनका कि असली नाम एंटोनिया माइनो है, वो संतों की हत्या पर चुप क्यों हैं? पालघर में जो कुछ हुआ उसके लिए उन्होंने सीधा सीधा सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया और ये भी कहा कि अब ये साधुओं की हत्या की रिपोर्ट बना के इटली भेजेंगी, फिर इटली में बैठे उनके जो लोग हैं वो खुश होंगे और शाबाशी देंगे सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी इसीलिए अपना मौन नहीं तोड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी का असली नाम भी अपने चैनल पर बोला, एंटोनियो माइनो। बस मसला यही था। इसके बाद तो भारत की राजनीति में मानो भूचाल आ गया, सारे कांग्रेस के नेता लठ लेके निकल पड़े। यहाँ तक कि अर्णब गोस्वामी इस शो के बाद जब अपने घर जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ, उनके कार पर हमला भी हुआ। हमले में जो लोग गिरफ्तार हुए, बाद में पता चला वो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, जो सीधे सीधे इस बात के लिए अर्णब को मारना चाहते थे कि उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में ऐसा क्यों बोला, सोनिया गांधी को उन्होंने असली नाम क्यों ले लिया और इस हमले के जिम्मेदार उनको कैसे ठहरा सकते हैं। उसके बाद ट्विटर पर भी लोग आई सपोर्ट अर्णब गोस्वामी के नाम से हैशटैग चला रहे हैं और तमाम तरीके के ट्रेंड लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस की ये नेता है अलका लांबा, जिन्होंने सीधे तौर पर वेल्डन यूथ कांग्रेस के नाम से ट्वीट भी किया। उनका मतलब था कि कांग्रेस के जो भी लोगों ने अर्णब पे हमला किया बहुत अच्छा किया। अब बात कर लेते हैं कि चलो ये तो एक बात हो गई, भूमिका हो गई कि जो जो कुछ हुआ मैंने आपको बताया। अर्णब ने जो बोला क्या वो गलत है? क्या सोनिया गांधी का नाम वो नहीं है जो अर्णब ने अपने शो में बताया, या फिर कुछ उन्होंने नई बात बोल दी? इस देश के अंदर क्या पत्रकार पहले किसी नेता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं करते रहे हैं? अभिषार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, या पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ये ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा बुक्का फाड़ फाड़ के अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जाने क्या क्या अपशब्द बकते रहते हैं, लेकिन कभी भी इनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, ना ही इनके ऊपर कोई हमला हुआ जैसा कि अर्णब के साथ हुआ। अर्णब के ऊपर FIR भी की गई, अर्णब के ऊपर हमला भी किया गया और उनके लिए बाकायदा एक मोर्चा खोल दिया गया कि अर्णब को गिरफ्तार करो। कोई नई बात नहीं है, अभी पिछले दिनों में ही जब CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था तो अनुराग कश्यप, जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, सब लोग इन्हें जानते हैं, इन्होंने भी अमित शाह को गुंडा नरभक्षी तक की संज्ञा दे दी थी। तब भी अनुराग कश्यप पे किसी ने ना हमला किया, ना ही अनुराग कश्यप के ऊपर कोई FIR हुई, ना ही अनुराग कश्यप आज तक गिरफ्तार हुए। तो भाई साहब, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं आप लांघो तो ओके, अगला लांघे तो इट्स नॉट ओके, ऐसा थोड़े ना होता है। आपको भी अपनी मर्यादा में रह के बोलना पड़ेगा, तभी आप अगले को उसकी मर्यादा की याद दिला सकते हो। अगर आप कभी मर्यादाओं को लांघोगे तो अगला ना ही जाहिर सी बात लांघेगा। ये तो एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जब खून की दलाली करने वाला बोला राहुल गांधी ने PM मोदी को, तभी भी राहुल गांधी के खिलाफ किसी ने FIR नहीं की, राहुल गांधी के ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। नरेंद्र मोदी को चाय वाला नपुंसक तक बोला गया। दिग्विजय सिंह, जो कि मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता कांग्रेस के, उन्होंने भक्तों को चूते हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा भी ट्वीट उन्होंने किया था कि नरेंद्र मोदी के दो काम है, भक्तों को बनाना और को भक्त बनाना। तब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उनको गिरफ्तार किया गया, ना ही उनके ऊपर कोई हमला किया गया। लेकिन अर्णब गोस्वामी ने क्या एक बात बोल दी कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहरीले नाक के पूछ पर उन्होंने पैर रख दिया और फन काट के निकल जाने को तैयार है। इतना ही नहीं, आपको याद दिला दूं, सामना में उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी के बारे में काफी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और तब उन्होंने लिखा था हुस्ने मिस फिरंग, एक शायरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने हुस्ने मिस फिरंग की संज्ञा दी थी सोनिया गांधी को, और साथ ही ये भी कहा था कि जो कांग्रेसी इतने निर्वीर्य हो चुके हैं कि उनसे किसी पौरुष की अपेक्षा करना बेमानी होगी। इतनी बड़ी टिप्पणी करने वाले उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन अर्णब गोस्वामी ने अगर किसी का असली नाम बोल दिया, एक आरोप लगा दिया, तो इसलिए अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अगर नहीं चढ़ाए तो यूथ कांग्रेस के नेता उनको जान से मार देंगे। ये है कांग्रेस का चरित्र जो आप देख सकते हैं। मैं सीधे सीधे आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी की माँ बहन को गाली दे सकते हैं, किसी को साइकोपैथ बता सकते हैं, किसी को आप नरभक्षी बता सकते हैं,
तो आपको फिर सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जबकि अर्नब ने तो सिर्फ असली नाम बताया है। असली नाम बताने के बाद आप असली चेहरा लेकर के, असली चरित्र लेकर के सामने आ रहे हैं, तो इसे आपकी ही बदनसीबी कही जाएगी। हालत वैसे भी आपके देश के अंदर बुरी है, और क्यों बुरी बनाना चाहते हो? जिस उद्धव ठाकरे ने आपके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, आप उनके साथ सरकार बना सकते हो सुविधा के हिसाब से। जिस बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि जो कांग्रेस का साथ देता है वो हिजड़ा होता है, सीधे यही शब्द थे उनके एक इंटरव्यू के दौरान, उसके साथ आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अर्नब ने सोनिया गांधी का असली नाम ले लिया तो आप सबको आपत्ति है, जो कि है। उन्होंने कोई तोड़ मरोड़ के तथ्यात्मक गलती भी नहीं करी है, जो है वही एज इट इज उन्होंने अपने चैनल पर बोला है, तो उनके साथ दिक्कत हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अर्नब गोस्वामी ने कोई पहली बार कोई इसी तरीके की बात की है। अगर उनकी भावनाएं से आहत भी हुई हैं तो फिर उनको अब फ्लैशबैक में जा करके अपने उन सभी बयानों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए सभी कांग्रेसियों को, जो उन्होंने अपने बयानों के माध्यम से दूसरों की भावनाओं को आहत किया था। यह देश हर चीज़ अब याद करने लगा है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखने लगा है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे और जब आपको कोई बोलेगा तो आप रुदाली करने बैठ जाएंगे, आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। अब आपको भी कायदे में रहना होगा, उन्हें भी कायदे में रहना होगा। हालांकि हम इस तरीके की किसी भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, ना ही हम अपने चैनल से कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी के इस्तेमाल करने को हम सही ठहराते हैं। लेकिन हमने दो पक्ष आपके सामने रखे कि ये खेल आज का नहीं है, खेल पुराना है। अब दिक्कत ये है कि अब खेल दोनों तरफ से खुला खेला जाने लगा है, तो कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि हम चाहेंगे कि ये गंदा खेल बंद हो, गंदा खेल मतलब गंदे शब्दों का खेल बंद हो, जो भी बात रखी जाए साफ स्वच्छ शब्दों में अच्छी मर्यादित तरीके से रखा जाए। धन्यवाद।